this is Neha Jurel. Welcome or welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm gonna show you how you can achieve this look. If you are a teenager, college going or school girl, तो आप ये मेकअप आराम से वेयर कर सकते हो एंड इट्स वेरी इजी पीजी. इसमें सिर्फ हम 5 प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, राइट? 5 प्रोडक्ट्स अंडर 300 रुपीज़, जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. काफ़ी कुछ तो 250 या 100 के आसपास ही हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इजी है. 5 मिनट में आप आराम से कर सकते हो इसे. विदाउट फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले आई एम गोना अप्लाई द मॉइस्चराइजर. इट्स अ वेरी लाइट मॉइस्चराइजर बाय द वे, जो मैं अभी लगा रही हूँ. इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है. जब भी कोई मुझसे पूछता है ना कि व्हाट विल बी द बेस्ट मॉइस्चराइजर, मेरे दिमाग में यही आता है. आई रियली लाइक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बिकॉज दे डोंट लाइक, वो चिपचिप जैसा फील होता है ना, वो नहीं होता है. दिस पॉन्स का मॉइस्चराइजर, दिस इज अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. तो हमारी नेक्स्ट थिंग है इज दिस कंसीलर. आप बीवी क्रीम यूज़ कर सकते हो, सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर क्रीम यू लाइक, बट आई डोंट यूज़ सीसी एंड बीवी क्रीम. मैंने अपनी होल लाइफ में कभी भी वो इस्तेमाल नहीं किए हैं. आई विल गो अहेड विद दिस कंसीलर. इज हाउ इट लुक्स. दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन. ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है. आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या किसी और में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या बीवी सीसी क्रीम लगा सकते हो अगर आपको और लाइट वेट चाहिए तो. So I'm gonna apply here and here and here and here as well. Now, but मैं यहाँ पर around my nose लगा सकती हूँ and here लगा सकती हूँ बस. Okay, I'm looking like a bandar right now. इसको blend करने के लिए I'm gonna use this a brush. ये सामने mirror नहीं है, can you believe that? मैं अपने आप को देख नहीं पा रही हूँ and मेरी eyesight इतनी weak है कि मैं बस I'm just dabbing it, okay? आपको ब्लेंड करना है बट आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी. आपको सिर्फ डैप डैप करना है, टैप टैप करना है जहाँ जहाँ भी अभी आपने कंसीलर लगाया है. इससे क्या होगा ना, आपका कंसीलर वहीं लगेगा जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है. मैं अपना जो कंसीलर है वो ब्लेंड कर लिया है एंड उससे मुझे एक अच्छा सा डूई जैसा फिनिश मिल चुका है. अब नेक्स्ट थिंग जो मैं करने वाली हूँ, दिस कॉम्पैक्ट पाउडर जो हमने फेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट, दिस सेज वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट. सो दिस इज हाउ द लुक्स लाइक. ओपन करके कुछ इस तरीके का आपको मिलता है ये. तो इसको मैं अपने फेस पर डैप डैप करके लगाऊंगी. मैं ब्रश यूज करने वाली हूँ फॉर दैट एज वेल. ऑल ओवर योर फेस, आप अपने फोरहेड पे भी लगाओ. मैं अपनी आईलिड्स पे इसलिए कुछ नहीं लगाया है क्योंकि आईलिड्स ना थोड़ी सी डार्क होती है हमारे स्किन टोन से, आप देख सकते हो अभी भी. तो नेचुरली एक आई शेडो का काम करती है, उसमें हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका फेस इतना ऑटोमेटिकली अच्छा निखर के आ रहा है तो आपकी आईलिड्स अपने आप ही इतनी अच्छी लगेंगी कि आप बता नहीं सकते हो. तो अब हम चलते हैं अपनी आईज़ के ऊपर. अब आईज़ की बात कर ही रहे हैं तो आप मेरे पास हैं दो ऑप्शन. या तो आप जा सकते हो विद दिस लाइनर और मस्कारा. पर्सनली आई विल गो विद द मस्कारा. मैं ये ले रही हूँ मस्कारा के लिए एंड दिस इज़ वाटर प्रूफ. आप चाहें तो अपने फेवरेट मस्कारा ले सकते हैं. सो आई हैव दिस वन, दिस इज़ अ वेरी 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 गुड मस्कारा. सो लेट मी जस्ट पुट. मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता है. अगर आप स्विच करोगे मस्कारा पे तो दैट विल गिव यू अ डिफरेंट लुक. बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगते हो आप, देखने में भी आपकी आईज बहुत ज़्यादा ओपन लगती हैं एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं आपकी आँखें. या इस लाइनर की एक अलग खूबियाँ हैं बट द मस्कारा वो हमेशा विन विन है. तो मैं जाऊँगी सबसे पहले अपने मस्कारा के साथ में. आप चाहो तो दोनों भी यूज़ कर सकते हो बट आई विल गो विद माय मस्कारा. मस्कारा एंड आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है. ओके, अपोजिट मीन्स अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओगे तो आपकी जो आई लैशेज है ना वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी. On this side as well. My eyes look really open in this. तो अब मैंने मस्कारा लगा लिया है ऊपर की लैशेज पे भी और नीचे की लैशेज पे भी. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज हमारी आईब्रोस. इस ब्यूटी का आईब्रो डिफाइनर. सो आई एम गोना यूज दिस. इसमें आपको जेल भी मिलता है बट आई डोंट रियली यूज एट दिस जेल. एक्चुअली मैं मुझे जेल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सूख गया है. सो आई एम गोना जस्ट टेक सम ऑफ वाटर
अब मैं इसको अपनी आईब्रोज पे लगा लेती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करता है, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगती हैं इससे मेरी आईब्रोज की, हम मैंने बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं। एंड एक्चुअली मैं यहाँ से स्टार्ट ही नहीं करती हूँ, मैं यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ, तो ये ज़्यादा नेचुरल लगता है। प्लीज़ डोंट स्टार्ट योर आईब्रोज यहाँ से, वो बहुत ही ज़्यादा फेक लगती हैं। यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, दैट विल गिव यू अ वेरी नेचुरल लुक। सो अभी हम सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब मैं एक स्पूरी लेके इसको मर्ज कर दूंगी पूरे को अच्छे से, एंड यहाँ पे भी द सेम थिंग। दिस इज आर लास्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू। यस वी आर ऑलमोस्ट डन। दिस इज फ्रॉम ब्लू हेवन। ये लिपस्टिक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो शेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। लेट मी जस्ट शो यू गाइज, इट्स टू ब्यूटिफुल और काफ़ी ज़्यादा न्यूड है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड इसी लिपस्टिक से, क्योंकि हम क्यूट भी बनना चाहते हैं, सो विद दिस लिपस्टिक हमेशा अपनी लिपस्टिक को अपनी फिंगर पे लो पहले, एंड उसके बाद डैप डैप करके लगाओ। डैप डैप आई एम अप्लाइंग हेयर, एंड उसको फिर मर्ज कर दो अच्छे से विद माई टू फिंगर्स। आई एम मर्जिंग दैम एंड लिटिल बिट ऑन माई नोज बिकॉज आई रियली लाइक दैट सन किस्ड लुक। हाउ ब्यूटिफुल माई फेस इज लुकिंग। आप चाहो तो अपनी आईलिड्स पे भी लगा सकते हो, बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज मुझे लगता है आईलिड्स का जो कलर मुझे मिल रहा है ऑरेंजिश और ब्राउनिश टाइप, इससे पूरा फेस मेरा पिंक पिंक हो जाएगा। मैं यहाँ भी लगाऊंगी, यहाँ भी लगाऊंगी, यहाँ भी लगाऊंगी, तो बहुत ही ज़्यादा सेम सेम लगेगा। बट नाउ जो मुझे नेचुरल इफेक्ट मिल रहा है, और आपकी स्किन जो है कहीं ना कहीं से नेचुरल लगनी चाहिए, तभी आपको लगता है कि येस यू आर नॉट वेयरिंग मेकअप, बट एक्चुअली यू आर वेयरिंग मेकअप। दिस इज माई फाइनल लुक। लेट मी जस्ट शो यू क्लोज से। मस्कारा काफ़ी ज़्यादा अंतर देता है। आप चाहो तो और भी कई और तरीके की लिपस्टिक भी लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, बट दिस इज़ लुकिंग सो बॉम। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये लुक, काफ़ी प्यारा लग रहा है, और दिस इज़ वेरी वेरी क्विक। आप आराम से कॉलेज जाते वक्त कर सकते हो, टीनेजर हो तो भी कर सकते हो, स्कूल में हो तो भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड यू आर गुड टू गो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डेली बेसिस पे आप इसे कर सकते हो, सो आई रियली होप दैट यू लाइक इट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ। अगर अब तक नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबा दो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।